कोविशील्ड लगवाने वाले की ईयू देशों में एंट्री नहीं, पत्रकार बोली विदेश मंत्री तो रेहाना को ट्रोल करने में व्यस्त हैं। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश में कोरोना महामारी को ख़त्म करने के लिए टीकाकरण के अलावा कोई ठोस रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। कोरोना का टीका लगने से लोगों को अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय यात्राओं में संक्रमित होने का खतरा काफ़ी कम हो जाएगा। भारत में टीकाकरण के लिए दो स्वदेशी वैक्सीनों का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। फिलहाल कोविशील्ड लगने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन इससे जुड़ी ताज़ा खबर ने विदेश यात्राओं के लिए इच्छुक यात्रियों के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। समस्या ये है कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को अब भी कई यूरोपीय देशों में मान्यता नहीं मिली है। इसीलिए कोविशील्ड लगवाने वाले यात्रियों को यूरोपीय संघ के देशों में यात्रा की अनुमति अभी भी नहीं है। पुणे में बसे और कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला ने आगे आकर लोगों को आश्वस्त किया है कि वैक्सीन को लेकर यूरोपीय संघ के साथ हुई समस्या जल्द ही सुलझा दी जाएगी। आदर पूनावाला ने ट्विटर पर लिखा है कि मुझे पता है कि बहुत से भारतीय जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लिया है उन्हें यूरोपीय संघ की यात्रा में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूँ, मैंने इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाया है और उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले को सभी देशों में नियमों के साथ और राजनयिक स्तर पर दोनों के साथ हल किया जाएगा। वहीं पूनावाला के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए पत्रकार रोहिणी सिंह ने लिखा, यूरोपीय लोगों को काम या पर्यटन के लिए स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति देने के लिए यूरोपीय संघ के कई सदस्य देशों ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया है। वैक्सीन पासपोर्ट इस बात के सबूत के तौर पर काम करेगा कि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस का टीका लग चुका है या नहीं। यूरोपीय संघ ने पहले कहा था कि सदस्य देशों को COVID-19 वैक्सीन के प्रकार की परवाह किए बिना प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए, लेकिन ग्रीन पास की तकनीकी विशिष्टताओं से मिलने वाले संकेतों के मद्देनजर यह प्रावधान यूरोपीय संघ में मिलने वाले कोविड टीकों तक ही सीमित होगा। इसीलिए अब कोविशील्ड ग्रीन पास के फेहरिस्त से बाहर हो चुका है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहें बोलता हिंदुस्तान।